फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। प्रथम कुछ इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं जो क्लास 11th वालों के लिए है स्पेशली, ठीक है ना। ये ब्लू प्रिंट है आपका क्लास 11th वालों का आ चुका है, ठीक है। तो ये ब्लू प्रिंट को आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्या कैसे और समझ भी लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है और पूर्णांक 80 समय 3 घंटे, जैसे कक्षा 11वीं का ये परीक्षा हायर सेकेंडरी वर्ष 2021। तो जैसे ये बिजनेस स्टडीज़ का है ना, व्यवसाय अध्ययन का, तो दिया गया है कि भाग 1 व्यवसाय के आधार पर ऐसे बताया गया है कि इकाई पर आवंटित अंक एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अंकवार प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न। चलो तो ये देख लेना आप लोग, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की ओर मूव करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से यार ये चलो इंग्लिश को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इंग्लिश का ये देखो आप लोग, यहाँ पे है इकाई क्रमांक 1 में रीडिंग में क्या क्या है। अनसीन पैसेज, एक्सेल डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, और लिटरेरी जो भी पढ़ लें, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो भी पढ़ें, ठीक है। इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के यहाँ पर बताए गए हैं 10, ठीक है। 2 अंक वाले यहाँ से नहीं आएंगे, 3 अंक वाला एक आएगा यहाँ से, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड आने पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स से 250 वर्ड्स, 5+3 5 मार्क 1 और 3 का 1, ठीक है। कुल प्रश्न 1, ठीक है, बताया गया है। ग्रामर वाले पार्ट से क्या क्या आएगा ये सब बताया गया, आप लोग देख लेना थोड़ा समझ लेना। बाकी एक बार मैं हल्के से स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, इस टाइप से आपका ये है। नोट, इस वर्ष के लिए हटाए गए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है तो ये है लेसन 3 आपका डिस्कवरिंग, है ना, कॉन्टिन्यूस। लेसन 6 है द ब्रोबिंग वर्जन, लेसन 7 है द एडवेंचर, एंड लेसन 8 है सिल्क रोड। देखो नोट में लिखा गया है, किट्स यहाँ पर इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग इट, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट दिस ईयर, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। यानी जो ये वाली बुक है आपकी, एक इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट जो भी है, इस बुक से क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसको ओनली यहाँ पर बताया गया फन रीडिंग, ठीक ना। फिर और कुछ बताया गया है कि 1, 2, 3, 4, 7, 8 प्रश्न प्रश्न होंगे, जिसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी तथा सही विकल्प आदि के प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 अंक निर्धारित है। तो ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लो, ये फिजिक्स का है ये देखो, एंड ये इकाई प्रणित अंक, मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, मार्क्स आवंटित हैं, ठीक है, किस टाइप से यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बताया भी गया है कि कौन कौन सा इस वर्ष के लिए हटाया गया है, तो अध्याय 1 भौतिक जगत, अध्याय 13 अणुगति सिद्धांत, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी तथा सही विकल्प आदि के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1×5×4 यानी समझ रहे हो ना, अंक निर्धारित है, ठीक है, जो आपका वही आता है, ठीक है, 20 अंक का। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा नियम लिखा है, जैसे प्रश्न क्रमांक 5 से लघुतरी के रहेंगे 2 अंक वाले, 30 शब्द में लिखना है, फिर यानी 5 नंबर तक के यहाँ पर बताया गया कि 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा, यह विकल्प समान इकाई एवं समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न। फिर इसी तरह इस रसायन विज्ञान का आपका आ जाता है, ठीक है,
आप लोग कमेंट करें तो मैं आपको एक सब्जेक्ट को डिटेल से यार बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि कौन सा कोर्स हटाया गया है इसमें से, अध्याय 4 रासायनिक आबंधन है आणविक संरचनाएं एंड अध्याय 5 द्रव्य की अवस्थाएं, अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं, अध्याय 14 पर्यावरणीय रसायन। यार पर्यावरणीय रसायन क्यों हटाने की जरूरत है, तो काफ़ी जो है इसको रहने देना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी आपके आंसर हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया सब कुछ, इसमें 10% कठिन प्रश्न है, ठीक ना, 50% सरल प्रश्न, ये सब बताया गया है। इसी तरह ये फिर गणित का जाता है यार, ठीक है। तो ये गणित का भी आप लोग देख लो डिटेल से। बाकी यार ये जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है, विनय साहू यूट्यूब नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो जाना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना उस ग्रुप में। मैं चैनल में ये लिंक को भेज दूंगा, तो वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट्स की जो ब्लू प्रिंट है वहाँ पर देख पाएंगे। बाकी एक बार मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो यहाँ पर इतिहास भी है, बाकी जो लोग इसी वीडियो में देखना चाहते हैं पाउच करके वो भी देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। जिनको कि प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है, ये सब ग्रुप में नहीं जाना है, तो कर सकते हैं। बाकी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि मैं सभी प्रकार के उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है ना। इस तरह ही राजनीति विज्ञान, बाकी आर्टिकल भी रीड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। www.vinayasahu.com पे हैं, मिल जाएंगे सभी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पास भी आप देख सकते हैं। बाकी यार ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है यार, तो ये लेखा शास्त्र का देख लो आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके जहाँ पर भी आपको लेना रहेगा, जिस जिस सब्जेक्ट जिनके जिनके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हो गया, तो चलो जो भी है यार, उल्टा पुल्टा हो रहा है ये, व्यवसाय अध्ययन तो लेखा शास्त्र व्यवसाय अध्ययन ये हिंदी का, ठीक ना, हिंदी का आप देख लेना, हिंदी जो है आरोह और वितान दो पार्ट हैं, तो ये बताया गया कि वितान भाग और आरोह भाग वन, ठीक है। अब क्या हिंदी स्पेशल एंड जनरल इंग्लिश नहीं रह गई है क्लास 11th में, ठीक ना, आपका सिर्फ एक ही हिंदी बचा है और इंग्लिश बची है ना, ठीक है। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन प्रेस करें, इसे देख लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबको पता होगा। इस चैनल पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलते हैं, रियल जेन्युइन, जो कि फेक बिल्कुल नहीं होती। इस चैनल पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ आपके सामने, जो कि आपके स्टडी में मार्क्स गेन करने में, नॉलेज गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो बाय बाय।